थाने जिले के अंतर्गत आने वाले बदलापुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक व्यक्ति को ईडी का भय दिखाकर 20 लाख की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक अंबालाल पटेल नामक व्यक्ति को लखनऊ के आलमबाग पुलिस स्टेशन से एक कॉल आया, जिसमें उन्हें बताया गया कि उनके बैंक खाते में अवैध ट्रांजेक्शन हुआ है। शातिर ठग ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और कहा कि वह इस मामले में कोई शिकायत दर्ज न करके इसे रफा दफा करना चाहता है, लेकिन उसके लिए अंबालाल पटेल को मोटी रकम चुकानी पड़ेगी। फोन करने वाले व्यक्ति ने ईडी के नाम का डर उनके मन में भर दिया, कहा कि अगर रकम नहीं चुकाए तो कड़ी कार्रवाई होगी। जिसके बाद मामले को आगे ना बढ़ाने और डर के मारे अंबालाल ने 20 लाख रुपए ऑनलाइन ठगों को ट्रांसफर कर दिए। लेकिन कुछ समय बाद अंबालाल को समझ में आया कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। उन्होंने तत्काल बदलापुर पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराई। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रविन्द्र लांडगे ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जाँच शुरू की, जिसके बाद 8.5 लाख रुपए की रकम को फ्रीज कर दिया गया, जिससे पीड़ित को कुछ राहत तो मिली। वहीं इस मामले की आगे की जांच की जा रही है और पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस धोखाधड़ी के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। बदलापुर पश्चिम पुलिस ठाणे हद्दीत राहणारे तक्रारदार इसम पटेल यांना आलमगड लखनऊ या पुलिस स्टेशनवरून बोलतो, तुमच्यावर ईडीचा केस झालेला आहे, तुमच्या अकाउंटवर अनलिगली ट्रान्झॅक्शन झालेले आहे, असं व्हिडिओ कॉल करून आम्ही पोलीस असल्याच्या युनिफॉर्मवर त्यांना दाखवून बतावणी करून त्यांना भीती घालून त्यांच्याकडून एकदा 5 लाख रुपये, एकदा 8 लाख रुपये, एकदा 4 लाख रुपये असं 20 लाख रुपये त्यांनी त्यांच्या अकाउंटवर घेतलेले आहे त्यांना धमकी देऊन। नंतर आमचे बदलापूर पश्चिम पोलिसांचे API हुंबे यांनी स्वतः याच्यात सखोल तपासणी करून 8.5 लाख रुपये त्या अकाउंटवर होल्ड केलेले आहे। त्यामुळे आणि त्याच्यानंतर आम्ही तात्काळ बदलापूर पोलीस ठाणे शहर नंबर 277 IT Act कलम 66D प्रमाणे गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास आम्ही करत आहोत। सदर आरोपीच लवकरात लवकर शोध घेऊन अटक करण्याचे तजवीज ठेवलेली आहे।